रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल माँ बेटी का जामुन का पेड़। सुधा अपनी 16 साल की बेटी पल्लवी के साथ अपने जामुन के बगीचे में पानी दे रही थी। बेटा, वैसे जरूरत नहीं पेड़ों को पानी देने की, जामुन तो आ चुके हैं, अब मंडी में बेचने हैं। मंडी वाले लोग खरीद कर ले जाएंगे हमसे, फिर बेचेंगे। हाँ माँ, पर इन पेड़ों को भी तो गर्मी में प्यास लगती होगी ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी तो रोज पिलाना चाहिए ना। आखिर शुरू से अब तक इन्होंने हमें बहुत सारा दिया है। हाँ मेरी बिटिया, ये तो है, इसीलिए तो मैं इन सभी जामुनों के पेड़ों से प्यार करती हूँ। क्यों ना माँ, आज खाना नहीं बनाए, आज हम जामुन यहीं बैठकर खाते हैं। हाँ बिल्कुल, डंडा ले आओ। ये सुनकर पल्लवी जामुन की डाल पर डंडे से मारकर जामुन नीचे गिराती है। फिर दोनों माँ बेटी जामुन का स्वाद लेती हैं। अरे वाह, इस बार तो और भी मीठे जामुन आए हैं। हाँ माँ, सच में बहुत मीठे मीठे जामुन आए हैं, थोड़ा दुगनी कीमत में बेचेंगे इस बार। हाँ बेटा। दरअसल मध्यम वर्ग की सुधा अपने पति के जाने के बाद अकेले ही बेटी को पाल रही थी, वो भी 4-5 जामुन के पेड़ के सहारे। उन जामुनों को तोड़कर मंडी में बेचा करती थी। फिर धीरे धीरे मंडी के लोग उससे 10-20 किलो के जामुन अकेले खरीदकर खुद बेचने लग गए। खैर, कुछ देर बाद सुधा के ग्राहक जामुन लेने आते हैं। अरे सुधा बहन, बिटिया के साथ जामुन का लुफ्त ले रहे हो क्या? हाँ भाई साहब, आइए आप भी खाइए, इस बार मीठे जामुन आए हैं। अरे मैं तो बचे हुए जामुन भी खा लेता हूँ। खैर, आज मंडी जल्दी जाऊंगा, इसीलिए 30 किलो जामुन दे दीजिए, ये लीजिए पैसे। हाँ हाँ भाई साहब, आप इस वाले पेड़ से जामुन तोड़ लीजिए। ये सुनकर रमेश जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ लेता है। ऐसे ही और भी लोग सुधा के जामुन के बगीचों से जामुन ले जाते हैं, जिससे सुधा अपना खर्चा चला लेती है। लेकिन कुछ सालों बाद कुछ इंजीनियर और पास के रेलवे स्टेशन के अधिकारी लोग सुधा के जामुन के बगीचे को वहां से हटाने की मांग करते हैं सरकार से। उन्हें ऑर्डर भी मिल जाता है, वो जेसीबी की सहायता से उसके 1-2 जामुन के पेड़ गिरा देते हैं। ये देखकर सुधा का कलेजा फट जाता है और वह पूछती है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे जामुन का बगीचा है, आप ऐसे नहीं कर सकते, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, मैं अपनी बेटी को पालती हूँ। देखिए, कानूनी तौर पर इस जमीन पर आपका कोई हक नहीं है, सरकार ने ही हमें आपको इस जगह को खाली करने को कहा है और इस जामुन के पेड़ों को यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा जो अगले वाले रेलवे स्टेशन की लाइन को ज्वाइन करेगा। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये मेरी बहुत सालों की मेहनत है, एक नहीं 5-6 पेड़ हैं। अंकल प्लीज आप कहीं और रेलवे स्टेशन को बना लीजिए, इस जगह को खराब मत कीजिए, मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से ये जमीन ली थी और माँ ने पेड़ लगाए थे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जगह आपको खाली करनी ही पड़ेगी, आपको दूसरी रहने की जगह मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ से नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे। अरे एक बात समझ नहीं आती है क्या, ये इस गांव के हित के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। चलो हटो इस जगह से। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अधिकारी जी, हमें माफ कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, हमें इन्हें समझा देंगे, फिर आप यहाँ आ जाना। ठीक है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। मुखिया उन माँ बेटी को समझाता है, लेकिन वे बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं करते। फिर मुखिया कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाना है तो मैं ही तुम दोनों को यहाँ से भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो इस जगह के पैसे मिलेंगे। बिरजू, नन्ने, इन दोनों के गले में रस्सी डालकर इन्हें इसी जामुन के पेड़ पर फांसी दे दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुखिया उन माँ बेटी की चीखों को सुनता नहीं है और जीते जी जामुन के पेड़ पर फांसी देकर मार देता है। फिर रेलवे अधिकारियों से झूठ बोलकर वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनने की तैयारी करवाता है, लेकिन इस बीच उन माँ बेटी की आत्मा वहाँ भटकने लगती है। रेलवे स्टेशन बनने के बाद अक्सर उस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की मौत हो जाया करती थी, और अपनी जादुई शक्तियों से माँ बेटी ने एक उखड़े हुए जामुन के पेड़ को अभी भी रेलवे स्टेशन पर जिंदा कर रखा था, जिससे वह रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन बन गया था। चुड़ैल माँ बेटी आसपास के लोगों को मारकर उसे जामुन के पेड़ पर लटका दिया करते थे। फिर शाम को मुखिया रेलवे स्टेशन पर
ट्रेन की सवारी करके उतरता है और दोनों चुड़ैल माँ बेटी आकर कहती हैं, आ गया मुखिया, पैसों के लिए इसने मुझे और मेरी बेटी को बेरहमी से फांसी में लटका के मार दिया, अब इसकी बारी है। माँ, इसकी जान तो मैं लेना चाहती हूँ। तभी पल्लवी मुखिया का गिरेबान पकड़कर उसे बार बार जमीन पर पटकती है। कौन है, कौन है जो मुझे मार रहा है? तेरी मौत है जो आज तुझे लेने आई है, भूल गया क्या, पहचाना नहीं हम दोनों को? छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो, पैसों की लालच में ऐसा करना पड़ा मुझे। पैसों के लालच में तूने मेरी माँ और मुझे मार दिया, पता भी है मेरे माता पिता का कितना खून पसीना लगा था इस जामुन के पेड़ को बड़ा करने में, और तूने हम दोनों को फांसी पर लटका दिया, अब तू भी ऐसे ही मरेगा। चुड़ैल पल्लवी अपनी माँ के मौत का बदला लेकर उसके गले में वैसे ही डाल देती है, उसे जमीन पर घसीटती है और फिर उस जामुन के पेड़ पर लटका देती है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद गांव में और भी लोगों की मौत होने लगती है, जिससे लोग घबरा जाते हैं। वहीं एक शाम बिरजू और नन्हे ट्रेन से उतरकर उस जामुन के पेड़ के पास से गुजरते हैं। अरे वाह, इतने बड़े बड़े मीठे जामुन, नन्हे क्यों ना हम इसे खा ले? हो चलो खाते हैं, बड़े टाइम से जामुन नहीं खाए, एक सुधा ही थी जो जामुन के पेड़ उगाती थी। अब जैसे ही तुम दोनों जामुन खाओगे, खाते ही तुम्हारा शरीर नीला पड़ जाएगा और फिर तुम जामुन बन जाओगे। चुड़ैल के ये कहते ही वो दोनों जामुन खाते ही मर जाते हैं और एक जामुन का रूप ले लेते हैं, जिसे दोनों माँ बेटी जामुन के पेड़ पर लगा देती हैं। ऐसे ही और लोगों को भी हमें जामुन के पेड़ पर लगाना है, कोई नहीं बचेगा, बड़े आए थे रेलवे स्टेशन बनाने वाले। इस तरह दोनों चुड़ैल माँ बेटी रेलवे स्टेशन के लोगों को भी जामुन खिलाकर मार दिया करती थी। गाँव की एक बुढ़िया मुखिया के गायब होने से भी काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है, इसीलिए वह तांत्रिक के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है। फिर तांत्रिक कहता है, ओम ब्रीम क्रीम चामुंडा विच्चै नमः। बुढ़िया माई, तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी को यहाँ लेकर आया हूँ, बहुत नाक में दम कर रखा है उन्होंने, सब ठीक हो जाएगा। तांत्रिक फिर से कठोर मंत्रों का जाप कर चुड़ैल माँ बेटी को अपने घेरे में बुला लेता है, जिसके बाद दोनों चिढ़कर कहती हैं, बूढ़े तांत्रिक, जामुन के छिलके, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ बुलाने की, छोड़ दे हमें वरना मारा जाएगा तू। छोड़ दे वरना मैं तुझे भी जामुन बना दूंगी तांत्रिक। बहुत लोगों को परेशान कर लिया तुम चुड़ैल माँ बेटी ने, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, इस त्रिशूल के आगे कुछ भी नहीं तुम दोनों। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तांत्रिक अपना पवित्र शिव त्रिशूल लेकर उन दोनों माँ बेटी पर वार कर देता है, जिसके बाद वे भस्म हो जाती हैं और उनका जामुन पेड़ भी। तत्पश्चात गाँव वाले उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी के प्रकोप से अवज्ञ हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।